जय जिनेन्द्र, स्वागत है आप सबका धार्मिक समाचारों में। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। भारतीय संस्कृति के मुताबिक किसी भी शुभ कार्य का आरंभ करना हो तो सबसे पहले गौरी नंदन श्री गणेश जी की अर्चना की जाती है, इसके बाद ही दूसरे देवी देवताओं को पूजा जाता है। इस बार पंजाब की औद्योगिक राजधानी लुधियाना में इस गणेश उत्सव के मौके पर पर्यावरण को देखते हुए श्री गणेश जी की मूर्ति मिट्टी का इस्तेमाल कर एक अलौकिक रूप में बनाई जा रही है। पर इस बार कोरोना महामारी के चलते इस महोत्सव का रंग कुछ फीका और गणेश भक्तों में मायूसी भी दिखाई दी। महानगर लुधियाना के भाई रणधीर सिंह नगर इलाके में श्री गणेश भक्तों की ओर से भी इस बार गणेश उत्सव मनाने के लिए प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार विशेष प्रबंध किए गए। यहां सबसे खास बात रही, यहां पर विराजमान श्री गणेश जी की भव्य प्रतिमा को पर्यावरण के मद्देनजर रखते हुए मिट्टी का इस्तेमाल कर तैयार किया गया था। आज पूजा और आरती के बाद भक्तों द्वारा गणेश जी को 56 भोग भी अर्पित किए गए। मैं राकेश बजाज, सेवादार राजा का दरबार टीम। आज नौवा गणपति उत्सव जिहड़ा कि राजा के दरबार मुख्यालय च हो रहा है, बड़ा सादगी पूर्ण ते बड़ा ही चलो खुशी दे माहौल। तो चलो कोरोना दा वायरस दा चलदा पिया वा, लेकिन गणपति बप्पा दे आन नाल असीं उहनूं जल्दी ही भुला देंगे। मेरे मन की बड़ी इच्छा हैगी है कि कोरोना वायरस ये विघ्नहर्ता जी आए है, ये विघ्नहर्ता जी अपने नाल ही उन्होंने लैके जाएंगे। ये रिद्धि सिद्धि दे दाता है जिहड़े कि रिद्धि सिद्धि नाल लैके आते तो विघन तुहाडे लै जांदे है। ये हर घर च खुशियां भर जांदे है। असीं भागा वाले हाँ जिहड़ा सानूं हर वारी राजा के दरबार की टीम से सेवा करन दा मौका मिलता है। मैं सारे शहर वासियां नूं खास करके मीडिया वालियां नूं बहुत धन्नवाद करता हाँ कि जिहड़े भी ये साडा जिहड़ा भी मैसेज है, क्योंकि असीं इन्ना वड्डा परिवार हो चुका है, असीं किसी नूं भी न्योता नहीं भेज सके, सिर्फ परिवार के कुछ सदस्य ही असीं ये कार्यक्रम कर रहे हैं। साडा बड़ा वड्डा परिवार हो गया है। लास्ट ईयर असीं 2100 कार्ड वंडिया सीगा, इस बारी सिर्फ असीं सोशल डिस्टेंस करके ध्यान रखते हुए सिर्फ कुछ ही परिवार जिहड़ा कि वारी वारी आ के मत्था टेक रहे हैं। अज 56 भोग का प्रसाद लग रहा है राजा के दरबार। सारे परिवारों ने अपने घरों कुछ ना कुछ लैके या बाजारों जमीन लैके अपने 56 भोग लगाए, जिहड़ी परंपरा रीति रिवाज असीं पालन कर रहे हैं। लुधियाना से भूपेंद्र शान की रिपोर्ट। लोकसभा हलका गुरदासपुर से सांसद और बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल कोरोना महामारी से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए जहां पीपीई किट पहनकर एक टायर कंपनी की ऐड करते नजर आ रहे हैं, वहीं उन्होंने कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए एक ऐड कंपनी के साथ मिलकर अपने हलके के लोगों और सेहत विभाग के लिए पीपीई किट और मास्क भेजे हैं। जानकारी अनुसार उक्त सारा सामान टायर कंपनी की ओर से भेजा गया है, जिस पर कंपनी की एड भी प्रिंट हुई है। सनी देओल इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बताए गए हैं। जब गुरदासपुर भाजपा जिला प्रधान से सनी देओल की मौजूदगी बारे सवाल पूछे गए तो वह बात के गोलमोल जवाब देते नजर आए। साडे इस लोकसभा हलके दे एमपी सनी देओल जी द्वारा कुछ समान जड़ा जिदे च पीवी किट्स, बेडशीट्स, मास्क, ये समान जड़ा हॉस्पिटलों के भेजा गया। पठानकोट, गुरदासपुर, बटाला पूरे हल्के दे विच पूरा कोरोना ध्यान च रखते हुए जो जो समान की जरूरत है डॉक्टर्स नूं, क्योंकि डॉक्टर जिहड़े लगातार अपनी सेवा जनता की कर रहे हैं, अपनी जिंदगी भी जिहड़ी है पूरी दाँ ला के उन्होंने भी पूरी जनता की सेवा की है। कि अज जो समान आया ये 480 पीवी किट्स और 500 बेडशीट, उन्होंने उन्होंने मास्क, ये समान जड़ा अज बटाला सिविल हॉस्पिटल के SMO साहब दिता। कल फतेहगढ़ चूड़ियाँ, क्योंकि वो भी साडा ही जिला पैंदा, नहीं वो बाद भी सनी देओल जी आए, तुसी मीडिया वाले भी सारे मौजूद सीगे। कोरोना दा जदों मार्च दे विच 23 तरीक नूं लॉकडाउन होया, लॉकडाउन तो थोड़े दिन पहला ही वो बटाले तो इत्थों हो के गए, इत्थे दौरा भी करके गए, धन्नवाद भी करके गए सीगे लोगों का। जो जो साडियां पार्टी के कार्यकर्ताओं नाल उन्हां दी मीटिंग्स भी होईयां सी और शहर च अलग अलग जगह के उत्ते उन्होंने दौरा किया सीगा। एडवरटाइजमेंट नहीं है, लेकिन जिस तरह तुसी एक सवाल मैं पहला किया कि सनी देओल जी नज़र नहीं आए, उहदा मैं तुहानूं जवाब दिता कि सनी देओल जी पिछली बार भी तुहाडे मीडिया दे विच ही आए सन। अजकल ये चीज़ बहुत जरूरी हो गई है कि मीडिया राही जनता नूं भी पता लगे बई लगातार
साड़ी लीडरशिप जी हल्के के संपर्क के मैं तुम्हें यह भी दसना चाहना कि करोना के दौरान ही बाहर जे सा कोई इस हल्के या पंजाब के साढ़े कुछ लोग फसे दे सी उन्होंने लिया का काम भी लगातार जोड़ा सनी देओल जी ने मंत्रालय ना संपर्क करके वो किया जिन्हें सवाल किया तुम थोड़ा देखना चाहिए भी जड़िया इतने एंबूलेंस दितियां वेंटीलेटर दिते ने यह भी सनी देओल जी ने दिते ने करोना के दौरान ही वेंटीलेटर गुरदासपुर च आए पठानकोट ये सिविल सर्जन डीसी साहब लगातार उन्होंने संपर्क रह के जो जो चीज़ों की जरूरत सी उन्होंने पूरी की वेंटीलेटर भी आए हैं और एंबूलेंस भी आई हैं। गुरदासपुर से जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। कोरोना के कारण सभी और स्कूल और कॉलेज बंद है। सुबह सुबह 2 से 3 घंटे ऑनलाइन क्लास लगने के बाद सभी फ्री हो जाते हैं और कई विद्यार्थी इस फ्री टाइम में कोई ना कोई अनोखा काम करने की फिराक में रहते हैं। उन्हीं में एक अनोखा काम करने वाले हैं मोगा के मनप्रीत सिंह। लकड़ी का काम करने वाले अपनी माँ से आइडिया लेकर एक लकड़ी के फ्रेम का बाइसाइकिल तैयार किया है। जानकारी देते हुए मनप्रीत ने बताया कि वह प्लस टू की कक्षा में एग्जाम के बाद से ही फ्री थे। उसने सोचा कि लॉकडाउन में कोई ऐसा काम किया जाए जो कि अलग ही तरह का हो। उसने सोचा कि मेरे मामा लकड़ी के काम का अच्छा कारीगर है और मेरे पास पुराने साइकिल के 2 पहिए पड़े हैं। हमने ऐसी लकड़ी ली जो अंदर से बहुत मजबूत हो और उसका फ्रेम बनाकर यह साइकिल तैयार कर दी, जिसमें हमें करीब 4 से 5 दिन लगे इस साइकिल को बनाने में। हमें करीब 4-5 दिन लगे साइकिल को बनाने में और अभी हमने इसके ऊपर ऐसा रंग करना है जो बारिश आदि में खराब ना हो। हमारा इस पर करीब 7,000 रुपये खर्चा आया और यह साइकिल आम साइकिलों की तरह ही चलती है। मान सर जिम्मे लकड़ सोफे फ्रेम वगैरह तैयार करते हैं तो हर तरह डिजाइन बना लीजिए देख के तो सानू वैसे ही बैठे बैठे लॉकडाउन के भी सानू लगे भी कोई चीज़ वक्री जी तैयार की जाए तो इतने असी आके फिर आपका कोई सोचा भी चलो साइकिल ही बना के देखते हैं लकड़ का तो असी फिर उन्होंने जो उस साइकिल का वेट है वो मुताबिक ही असी इन हौली हौली जाने कि आपका दिमाग लैके आता भी किमें मॉडिफाई किया जाए किमें दूसरे साइकिल नो ये थोड़ा रिलैक्स होकर चले जी फिर असी हौली हौली इन लकड़ को उवें कटा के किस तरह वो टायर लगने किस तरह वो ब्रेक लगनी वो सारा असी आपका एडजस्टमेंट किया जी नहीं उन्होंने उन्होंने बराबर में ही बनाया गया जी ये ज़्यादा असं भारा नहीं बनाया वेट किया जी जो आम साइकिल वेट होंगे उन्ना वेट यदा भाई ये तो 21 तो लैके 22-23 किलो है जी तो लोहे वाले साइकिल तकरीबन इन्ना ही होंगे जी मैनू ये 4 दिन लग गए जी पूरे हम सिर्फ पॉलिश का काम रह गया जी इतने हाँ जी चला कंफर्टेबल है जी आम साइकिल नाल बहुत वधिया वा जी वो अगे झुके जे साइकिल चलाना पैंदा वा ये आराम बैठ के सीट पिछे लगी करके भी आराम कंफर्टेबल होकर जी चला लेंदा जी। सर लॉकडाउन के दौरान मेरे दिमाग च आइडिया उदो उदो सर मैं नैट पर देखा सी ते नैट दे देख दे मैं कुछ चीज़ा तो होर देखिया सी ते मैनू स्पेयर पार्ट्स जिहड़े पए सी मेरे को साइकिल दे कुछ फिर मैं सोचा मेरे मामा जी दा लकड़ दा काम हैगा ते फिर मैं उन्होंने मिल के साइकिल बनाऊं एक इनू लगन 4 दिन लग गए वेट सर आम साइकिल जिन्ना ही हैगा असी रख्या वा उन तो भारा जा हल्का नहीं हैगा वा आम मतलब कि 20-30 किलो हैगा चलाउन नू सर बहुत सौखा चलाउना है कि आ दूसरे साइकिलां नालों चलाउना ज़्यादा सौखा वा क्योंकि इन च असी थोड़ा पैडल का डिजाइन ते हैंडल का सर सौखा रख्या वा जी सर असी जिन्ने कि जो साइकिल लकड़ा मतलब कि जिन्ने पार्ट्स लगे हुण तिकर उन्ने मैं आपदे घरे हुण सर बूटे भी लगाए आ एक 2 कल लगाए तो सर 5 अज भी लाए तो एक जिमें जिनी लकड़ लगी आ उन्ना ही असी पेड़ उगावे तो होर बना पाओगे नहीं तो साढ़े पेड़ तो सर घटते जाएंगे। संजीव अरोड़ा की रिपोर्ट आत्मा चैनल। कोरोना के कठिन समय दौरान पंजाब भर के अध्यापकों ने घर बैठे बच्चों को शिक्षा देने के संकल्प को पूरा करने के लिए हाईटेक तकनीकों के साथ ऑनलाइन शिक्षा देने में बड़ी भूमिका निभाई है, जिसमें महिला अध्यापकों ने बड़ा योगदान डालते हुए घर घर स्टूडियो खोल दिए हैं। शिक्षा विभाग ने भी अध्यापकों को हाईटेक तकनीकों का समय के साथ साथ प्रशिक्षण देकर ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन शब्दों का प्रगटावा जिला शिक्षा अफसर एलिमेंट्री शिक्षा बलदेव राज की तरफ से ऑनलाइन शिक्षा के संबंध में प्रेस के साथ बातचीत करते किया गया। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग की तरफ से कोरोना के कठिन समय दौरान नए सत्र के पहले दिन से ही ऑनलाइन शिक्षा का आधार बांध दिया था। हालांकि सरकारी स्कूल शिक्षा विरोधी एक लॉबी ने काफी शोरगुल मचाया कि लोगों को जान की पड़ी है, शिक्षा सचिव को पढ़ाने की पड़ी है,
परंतु शिक्षा विभाग की कमाल की योजनाबंदी और अध्यापकों की मेहनत ने न सिर्फ विद्यार्थियों और उनके माँ बाप को कोरोना वायरस से जागरूक किया बल्कि ऑनलाइन शिक्षा की सफलता के साथ साथ अध्यापकों को नई तकनीकों के प्रयोग के काबिल बना दिया। अध्यापकों ने मोबाइल, व्हाट्सएप, यूट्यूब चैनल, रेडियो, दूरदर्शन, एजुकेयर ऐप, यूट्यूब चैनल और अनेकों साधनों का प्रयोग करते न सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई में सफलता हासिल की बल्कि बच्चों की कारगुजारी परखने के लिए ऑनलाइन पेपर, अनेकों क्विज मुकाबले भी करवाए गए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में आपकी का स्वागत है। देखो मेरे हाथ में एक पौधा है, आज असी पौधे दे वख-वख भागां बारे जानकारी प्राप्त करांगे। देखो ये एक पौधे का चित्र है। इस पौधे दे सब तो हेठां हन जड़ां। जड़ां दा की काम है? जड़ां धरती विचों पानी अते होर खनिज पदार्थ चूस के पौधे दे वख-वख भागां जिवें तना, पत्ते, फुल, फल आदि तक पहुंचांदियां। महामारी विच अध्यापकां वल्लों बच्चों के भविख नूं मुख रखदे होए बच्चों प्रति उन्हां दी पढ़ाई नूं लैके संजीदगी बहुत ज़्यादा है और इस विच अध्यापकां ने ऑनलाइन सिक्ख्या नूं लैके नवें नवें तजर्बे किए हैं, जिन्हां विचों पठानकोट जिले के अध्यापकां ने अपने स्कूलों अपने घरां नूं ही ऑनलाइन स्टडी दे स्टडियो बनाए हुए हैं और वह ऑनलाइन स्टडी विद्यार्थियों नूं अपने घरां विच बैठ के वधिया ढंग नाल दे रहे हैं और इस विच वह टीचिंग एड मटीरियल जिन्ना भी इलैक्ट्रॉनिक मीडिया नाल संबंधित आ उसकी वरतों कर रहे हैं, जो कि बहुत ही वधिया खुशखबरी वाली साडे वास्ते गल है। बलदेव राज, जिला सिक्ख्या अफसर, एलीमेंटरी पठानकोट। मैं अज साडे कोविड 19 करके जिहड़ी प्रॉब्लम सिक्ख्या दी आ रही है कि बच्चों क्लासा नहीं लग रही, वो संबंध में साडे माननीय सकत्तर साहब ने ऑनलाइन सिक्ख्या का जिहड़ा प्रबंध किया है वो साडे अध्यापक बड़ी मेहनत नाल ते लगन नाल काम कर रहे हैं। उन्होंने बच्चों नूं पढ़ाई लई अपने घर दे विच रह के अपने समार्ट रूम बना के ब्लैक रूम बना के ते बच्चों नूं वध तों वध व्हाट्सएप ग्रुप राही इस्तेमाल करके बच्चों नूं पढ़ा रहे हैं, जिहदे नाल उन्होंने अपने घर दे विच वधिया तों वधिया प्रबंध करके स्टूडियो बना के बच्चों नूं ग्रुप दे विच लैसन पा रहे हैं, उन्होंने पढ़ा रहे हैं ताकि साडे बच्चे किसी गलों भी पिछे ना रह सकन। ये सारा उपराला जिहड़ा है साडे माननीय सिक्ख्या सकत्तर साहब का है ताकि बच्चे साडे पढ़ाई तो विरवे ना रह सकन। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। जिला होशियारपुर के शहर टांडा के सिविल हॉस्पिटल के पूरे मेडिकल स्टाफ और पैरा मेडिकल स्टाफ की ओर से 2 घंटे की कलम छोड़ हड़ताल करते हुए सेहत विभाग द्वारा रोके उनके 3 महीने के वेतन जल्द से जल्द जारी करने की मांग की। सिविल हॉस्पिटल के ओपीडी कॉम्प्लेक्स में अपनी मांगे मनवाने के लिए नारेबाजी करते मेडिकल स्टाफ ने बताया कि बीते 3 हफ्तों से स्टाफ की ओर से उच्च अधिकारियों को बार बार अपील की गई पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे न मानी गई और उनका वेतन ना जारी किया गया तो यह हड़ताल जारी रहेगी। सीएससी टांडा विखे मैं एज ए नर्सिंग सिस्टर हैगी हाँ। साढ़े नाल काम करते दर्जा 4 ते स्वीपर वो दिन रात नाल गड्डियां दे जांदे डेड बॉडीज लैके आते 12-12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं ते कई कई इदां दे घरां तो हैगे आ बेचारे कल्ले कल्ले मतलब सर्विस कर रहे हैं पर उन्होंने किन्नी कि तनखा जिहड़ी कि उन्हां दी वह भी तनखा बंद हैगी आ, वो बेचारे फिर भी साढ़े कहन ते काम कर रहे हैं। किन्नी के दिन तक इदा चलता रहेगा सानू ये दस्या जाए, नहीं तो अं लगातार ही स्ट्राइक करांगे जदों तक साड़ी तनखा रिलीज़ नहीं होंगी। इतों तक कि साढ़े फंड है कई चीज़ा है जो रिलीज़ नहीं कीतियां जा रही। करोना का इस तरह बड़ा प्रकोप चल रहा है, उस दे विच असीं फ्रंट लाइन के उपर ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो सानू एकांत वास्ते भेजते हैं भी चलो जाके करके आओ, पर सानू साड़ी त्रासदी ये भी सानू 4 महीने तो 3 महीने तनखाह नहीं मिली, असी बहुत परेशान हाँ, घर के खर्चों तो परेशान हाँ, साडा सारा महकमा परेशान हाँ, पर बोलन नू कोई भी तैयार नहीं, पर हार के अक के अज असी ये धरना 2 घंटे लिए लाया। साड़ी बेनती आ सरकार अगे कि साडे धरने इत्थे बंद करवा के साडियां तनखाह जल्दी तो जल्दी जारी कीतियां जाण, क्योंकि घर दे विच असी सारा स्टाफ बहुत खर्चों तो तंग आ जी। होशियारपुर से जसप्रीत सैनी की रिपोर्ट।
मोगा नगर निगम में वार्ड बंदी को लेकर आज काउंसलर द्वारा नगर निगम कमिश्नर का विरोध किया गया। 5 साल पहले हुई वार्ड बंदी के बाद आज फिर वार्ड बंदी होने का नोटिस लगाए जाने पर नगर निगम के काउंसलर द्वारा नगर निगम कमिश्नर का विरोध किया गया। जानकारी देते हुए काउंसलर विनय शर्मा ने कहा कि 5 साल पहले नगर निगम बनने पर वार्ड बंदी हुई थी, जबकि वार्ड बंदी इलेक्शन 3 बार होने के बाद की जाती है। इस बार सरकार के दबाव के कारण वार्ड बंदी की जा रही है, जिसमें आम लोगों में काफी मुश्किलें होंगी। हम इसका विरोध करते हैं, यह वार्ड बंदी नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ बरजिंदर सिंह मक्खन बराड़ ने कहा कि जो वार्ड बंदी की जा रही है वह सरकार की तरफ से दबाव डालकर की जा रही है। नगर निगम कमिश्नर अनिता दर्शी से हमने वह कागजात मांगे जिसमें वार्ड बंदी की मांग की गई हो, परंतु हमें ना तो कोई कागज दिए गए और ना ही हमें इसकी सूचना दी गई। आज हमें पता चला कि उनके पास वार्ड बंदी के लिए चिट्ठी आई हुई है, तो हम इसका विरोध करते हैं। यह वार्ड बंदी अभी नहीं होनी चाहिए, इसमें आम लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। साडा जी वो कोई ओह जी मंगा ना तलक नहीं, अज असी सारे ही नगर कौंसल दे जिन्ने साबका कौंसलर साहबान खड़े आ, BJP दे साडे प्रधान साहब भी खड़े आ और साडे सीनियर डिप्टी मेयर जूनियर डिप्टी मेयर भी खड़े आ, और साडा मतलब सिर्फ BP जी नूं इह दसण तों सी जिहड़े कि साडे म्युनिसिपल कमिश्नर ने मोगा दे, उन्हां नूं सिर्फ इह दस रहे सी वी जे वार्डबंदी कीती जा रही है तां सानूं दुरुस्त कीता जावे, दस्या जावे, नोटिस बोर्ड ते लाया जावे, जिहड़े डाकूमेंट आ उह जनतक कीते जाण वी वार्डबंदी किस वार्डां दी कीती जा रही है, जदकि 4-5 साल पहला चोणा हुई हैं, 30 तो 50 वार्ड बने हैं, वो वार्डा जो बने हैं वो बिल्कुल आबादी या किसी भी तरीके आधार बना के सरकार ने उन्हों बनाया, किसी ने वो खिलाफ़ रिट नहीं पाई, किसी किस्म का कोई मतलब केस नहीं चलता यदा, तो जे अज 4-5 साल बाद डीलिमिटेशन करने की सरकार को जरूरत पेगी तो किस आधार पर पेगी, तो जेकर पई है तो तुम डीलिमिटेशन कर रहे हो तो किन्ना वार्डा की कर रहे हो, सारे की कर रहे हो, जां चिट्ठी है जी जनतक करो सानू दसो यदी कि आखिरी तरीक है कदों उतराज है सानू दस्या जाए, जे सानू यह सारा कुछ ना दस्या गया चिट्ठी बेनती की है तो असी यह चिट्ठी है जी मानयोग हाई कोर्ट लेके जावे और 22 नेम अफसर पार्टी बना के ये गल दसांगे मानयोग हाई कोर्ट को कि हथ ठोका बने हुए कांग्रेस के ये अफसर और चोरी छिपे बैठ के लकीर मार रहे, और असी यह गल की वार्निंग समझ लो चाहे बेनती समझ लो, जेडे मुलाजम ये बैठ के लकीर मार रहे हैं और उन्होंने बकायदा साड़ी सरकार आई तो असी बकायदा कानूनी कार्रवाई करांगे, जेडे कि लोकतंत्र ढांचे जिहड़ा खराब कर रहे हैं, और मैं समझता लोकतंत्र ढांचे के लोगों को दसने की जरूरत होंगी, हालांकि चलो जे सानू नहीं दस्या तो घट्टो घट जनतक का करो नोटिस बोर्ड से लाओ, प्रेस में भी दसो, कोई नहीं दस्या गया, कोई नोटिस वेख लो जी, आप इस म्युनिसिपल कारपोरेशन के दफ्तर मोगा खड़े हैं, इतने तुम कोई भी नोटिस बोर्ड से विखा दो भी कोई चीज़ लगी है या दसी जाए, इस तरह इन्होंने इतराज नहीं सुनने और जो इतराज ना सुने इसी तरह नोटिफिकेशन झूठा सच्चा करके इन्होंने वोटा पाने की कोशिश करनी है, जिदा कि सानू पूरा सख्त इतराज है जिहड़ा कि सुनना चाहिए, जेकर सानू एक दो दिनों के इन का मैसेज कोई ना आया चिट्ठी पत्र ना सानू दिखाया ना वार्डबंदी बारे दस्या गया तो असं मानयोग हाई कोर्ट के जावे और उतो इंसाफ लेके आवेंगे। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी हूँ एक आधार आपका गवा चुकी है लोगों और वो सोचती है भी गलियां इधरों तोड़ के इधर जोड़ के इधरों जोड़ के इधर जोड़ के आपके वार्ड जितने की कोशिश किया जा रहा भी असं 50 चो 25-26 वार्ड जित जाइए तो आपका मेयर बना लीए, उन्होंने मन में यही है, पर यह तो बड़ी घटिया राजनीति है भी एक बंदा जिहड़ा फलाने कोने तो घर है तो उन्होंने फलाने कोने के नाल ला दो, एक कितनी सियाणप जां सियासत हुई, बड़ी हैरानी की गल है, ये डिवेलपमेंट विकास करके लोगों के मन जितते जाते होंगे, वार्डबंदी जां गलियां नालियां तोड़ के किसी ने यह इस तरह मन नहीं। देखो जी थोड़े सामने जो नगर निगम नवा बनया उदों असीं सारे कौंसलर काफ़ी पुराने खड़े हैं इत्थे और उस वेले असीं आपदा अद्धा टाइम छड्ड के मता पा के नगर निगम मोगे दे शहर की भलाई लई बनाया सी कि साढ़े मोगे शहर का जिहड़ा नाम है पहले 5-7 शहर पंजाब दे च आवे, उस सारयां दा मैं धन्नवाद करना, सारे MC साहिबाना ने सहयोग दिता कि टीम बन के चले हैं जिहदे करके नगर निगम होंद विच आया, और अज 5 साल होया मसा नगर निगम बने नूं चोणां होईआं नूं, ते 5 सालां बाद की लोड़ पैगी वी वार्डबंदी दूरीअर करनी पैगी, तो वार्ड तुसीं तोड़े जा रहे बिना दसे तोड़े जा रहे बगैर नोटिस, BP जी नूं बेनती करदे आ भी थोड़ियां मैं कहना चाहवांगा लापरवाहियां दा हुण अत हो चुकी है, BP जी तुसीं कमिश्नर हो, इन्ना MLA जां सरकार दे दबाव थले काम नहीं चलता हुंदा गा, तुसीं लोकां दे नाल इंसाफ करो, घट्टो घट हुण तुसीं आ देखो जस्टिस कुलदीप सिंह ने आप तुसीं देखो चीफ जस अपना सुप्रीम कोर्ट के जज सी, उन्होंने एक बारी डीलिमिटेशन की असैम्बली की भी पार्लीमेंट की भी, और तकरीबन 2012 च पहली बार वो नवे हल्कों के चोणा हुई, तो अज तुम देखो भी इस गलों 10 साल हो चले, 22 च 10 साल हो जाने विधानसभा चोणों वेले, तो होर 10 साल तक डीलिमिटेशन नहीं टुटनी, तो जेकर यह कानून भारत में चल रहा तो यह साढ़े मोगे लिए स्पैशल अलग क्यों कानून बनाया जा रहा, जे डीलिमिटेशन 5 साल बाद ही बदलनी है तो फिर MLA MP वास्ते सारे वास्ते कानून एक बनाओ,
जब कानून यह कहता है भी एड्डी जल्दी लोड़ नहीं पैंदी और भारत सरकार ने एक चिट्ठी भेजी पंजाब सरकार नूं भी भाई जिनी देर तक जनगणना नहीं होंगी कि उन्नी देर तक कोई भी डीलिमिटेशन ना करो तो वो बावजूद भी करी जाते मंदभागी गल है भी तकरीबन साड़ी जी कारपोरेशन की जी वार्डबंदी है वह पिछले इलैक्शन नवा कारपोरेशन बनने करके तकरीबन 5 साल पहला हो वो 5 साल के कत्तियां तो 50 वार्ड बनाए गए थे पर हुण जिहड़े हालात है वह दुबारा कारपोरेशन की जी वार्डबंदी नहीं होनी चाहिए सी पर सरकार के दबा हेठ जी वार्डबंदी द्वारा जी चिट्ठी आई है वार्डबंदी द्वारा कर जी घट्टो घट भी जो सू सुन आया भी 3 टर्म जो इलैक्शन होने चाहिए है उस तो बाद वार्डबंदी द्वारा होनी चाहिए उस बड़िया परेशानियां आदि आम पब्लिक दहुत व्डिया परेशानियां इस वार्डबंदी के बच्चों के एड्रैस होंगे स्कूलों पासपोर्ट बने होंगे लोगों के जो वार्ड बदलता है अजय 4-5 साल पहले तो लोगों के एड्रैस बदले है हूँ दोबारा फिर उही एड्रैस बदले जाएंगे दूसरी गल वार्डबंदी जो एक बार हो चुकी तो ऑब्जैक्शन नहीं आए सारा काम प्रोसैस सही तरीके चल रहा की लड़ पैगी दोबारा वार्डबंदी करने की दूसरी गल ठीक है सरकार के मगर इलाके अधिकारी जो काम करी जाते हैं सानू भी पता लगे चिट्ठी आई काफ़ी दिन हो गए हैं पर असी बहुत बारी डिमांड की चिट्ठी दिखाई जाए सानू ऑब्जैक्शन ले जाण दिखाया जाए किवें वार्डबंदी कर रहे हैं तो नक्शा जनतक किया जाए प्रेस में विखाया जाए नोटिस बोर्ड पर लाया जाए पर सानू कदे किसी ने कोई बाह नहीं फड़ाई अल्टीमेटली असी एक दरखास्त देन आए हैं मैडम अनीता दर्शी साडी कमिश्नर साहिबान है उन्होंने असी यह दरखास्त देन आए हैं भी जिहड़ी चिट्ठी आई है वह जनतक की जाए जो तो नक्शा अंदर बिठा के अपने मुलाजमान नाले कांग्रसी आगुओं जी सरकार सत्ता पक्ष के आगुओं नाल लैके तुम लाइना खिंची जाने हो अंदर खाते जिमें कहते बुक्कल से लड्डू भन्नी जाने हो उस घट्टो घट आम जनता भी दिखाओ भी तुम कितने कितने लाइन बना रहे हो किहड़ा किहड़ा वार्ड किवें बना रहे हो असी उन्होंने अल्टीमेटम भी दिने चेतावनी दिने बेनती करते हैं भी जी वो जनतक की वो जनतक करने वाले डॉकूमेंट जे डॉकूमेंट आम पब्लिक मंग रही है ज असी विरोधी धिर होने के नाते जो डॉकूमेंट असी मंग रहे हैं घट्टो घट सू डॉकूमेंट दिखाए जान किस तरीके वार्डबंदी नवी की जा रही है क्योंकि वार्डबंदी नहीं लोड़ के बावजूद भी करनी है तो किस तरीके करनी है उस दसया जाए अदरवाइज जरा असी जिमें बराड़ साहब ने कहा कि साढ़े को एक ही हल रह जाना भी असं कोर्ट जाइए असं उद्दे कोर्ट जावे मोगा से संजीव कुमार अरोड़ा की रिपोर्ट आज के समाचार बस यहीं तक मैं विनीता जैन कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ जय जिनेंद्र।